तो हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों एक खबर जो है वायरल चल रही है उसकी लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इस तारीख से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में होगी दुर्गा पूजा की छुट्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के ए को दिया आदेश शिक्षा विभाग इस दिन से जारी करेगा छुट्टी का आदेश तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये वायरल चल रही है अब कितना सच है कितना झूठ है थोड़ा सा पढ़ के हम लोग पता करते हैं देखिए पूजा की छुट्टी पर बिहार में सियासी हलचल पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस तारीख से राज्य भर में दशहरा की छुट्टी घोषित करने का आदेश इस दिन जारी होगा पत्र ये बताया गया है दुर्गा पूजा बिहार में हलचल चल रही घमासान पर खुद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में इस तारीख से छुट्टी का आदेश पत्र जारी करने का ऑर्डर दे दिया है संबंध में शिक्षा विभाग पत्र जारी करेगा सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर शिक्षकों की मांग और राजनेताओं के सियासी दाव पेज व आगामी विधानसभा चुनाव के संज्ञान विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद से इन समस्याओं पर आपको बता दें कि पिछले वर्षों से हमेशा से ही सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर तक दी जाती हैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में कई शिक्षक शिक्षिका व्रत रखती हैं कलश स्थापना में भाग लेती हैं और कई तरह की पूजा पाठ में सन्नित होती रहती हैं दुर्गा पूजा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा लोकप्रिय पूजा है ऐसी स्थिति में इस वर्ष सरकारी स्कूल में छुट्टी नहीं होना नीतीश सरकार के लिए निंदाजनक बात है बिहार में चल रहे इस छुट्टी के घमासान पर नीतीश कुमार ने खुद संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के बरीय अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ को सात अक्टूबर से बारह अक्टूबर तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टी घोषित करने का आदेश दे दिया है इस प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार जो है पाँच या छः अक्टूबर तक जो है आ, करेंगे जारी पत्र मतलब जारी कर देंगे पाँच या छः अक्टूबर तक दीपावली व छठ की छुट्टियां मैं भी तीन से चार दिन की बढ़ोतरी की ऑर्डर दे दिया गया है ठीक है के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से अवकाश में कटौती की गई थी दरअसल पहले सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा में कलश स्थापना से लेकर विजयदशमी तक की छुट्टी जीत आती थी, थी लेकिन पिछले कई वर्षों से स्कूलों में अवकाश की कटौती की जा रही है जिससे शिक्षकों में आक्रोश है पिछले साल भी नवरात्रि में शिक्षकों को छुट्टी में कटौती की गई थी जिसके बाद भी शिक्षकों ने भारी विरोध किया शिक्षकों के विरोध के बाद छुट्टी को बढ़ा दी गई लेकिन एक बार फिर बिहार सरकार ने नवरात्रि की छुट्टी में कटौती कर दी है इस साल सरकारी स्कूल में केवल तीन दिनों की छुट्टी दी गई इससे शिक्षकों में आक्रोश है शिक्षक छुट्टी में कटौती नाराज है शिक्षकों की मांग है कि उन्हें पहले की तरह कल स्थापना से विजय दशमी तक छुट्टी दी जाए शिक्षकों में नाराजगी और विरोध दोनों देखा जा रहा है शिक्षक दुर्गा पूजा में पूरी छुट्टी पर बहाल करने पर अड़े हुए हैं शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी मांग को सरकार नहीं मानती है तो फिर वो कल यानी मंगलवार के सभी सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा सप्तशती तो का पाठ करेंगे शिक्षकों का कहना है कि सरकार उन्हें छुट्टी ना दे स्कूल में ही कलश स्थापना करने के लिए बेबस कर रही है शिक्षकों का कहना है कि उनकी मांग को जल्दी से मानी जाए दुर्गा पूजा की छुट्टी पहले की तरह बहाल किया जाए वहीं इसको लेकर शिक्षक संघ के गोप मारकंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने भी बयान जारी किया है उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की छुट्टी कटौती को लेकर असंतोष है सरकार शिक्षकों की मांग को माने और नवरात्रि में पहले की तरह छुट्टियों को बहाल करें तो ये एक न्यूज़ थी दोस्तों जो वायरल चल रही है न्यूज़ टीवी बिहार से तो इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके आप पढ़ सकते हैं कितना सच है कितना झूठ है ये देखने को मिलेगा पाँच या छः तारीख तक हम लोग वेट करते हैं इसमें दोस्तों कहा गया कि एस सिद्धार्थ जो है पाँच से छः तारीख को एक लेटर जारी कर देंगे छुट्टियों के बारे में बताया जाएगा अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो पढ़ तो रहे ही हैं और पढ़ा तो रहे ही है ठीक है दोस्तों नमस्कार जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच आप अपनी राय बताइएगा कि छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए थैंक यू सो मच